ये आपका मजाक मुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। दुनिया इस टाइम सो रही है और हम जा रहे हैं घूमने को भैया। अरे चलना रे ए बाबा, चलना चलना बाबा। अरे भाई साहब बीच में खड़े हो गए तो यार हम कैसे जाएंगे हैं? चंडीगढ़ की गलियों में घूम रहे हैं राहुल पांडे भाई। मतलब यार ऐसा लग रहा है कि यार मनाली को टक्कर देता है यार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पांडे व्लॉग्स। तो आज वो वाला सपना सच हो रहा है जिसका ख्वाब मैंने पिछले साल भी देखा था, उससे पिछले साल भी देखा था। लेकिन हम पिछली बार गए थे यार स्पीति वैली और आज हम जा रहे हैं ज़ंस्कार वैली। जो कि खतरों के खिलाड़ी वाला रास्ता है। तो खतरों के खिलाड़ी वाले रास्ते के लिए तैयार हो चुके हैं और आज डेट है 24 जून 2023 और 25 जून 2022 को हमने किया था स्पीति, जो कि पहली मेरी इपिक राइड थी और ये दूसरी मेरी ऑफ रोड वाली राइड है। इसमें ज्यादातर ऑफ रोड मिलेंगे और तैयारी एकदम भरपूर चल रही है भाई। लगातार 10 दिन से मैं सारी चीजें इकट्ठी करके मतलब सारी तैयारी कर रहा हूँ। फाइनली आज वो दिन आ गया है कि यार एक और सपना हमारा सच होने वाला है। तो जिंदगी में बड़े दिन के ख्वाब देखो, बड़े दिन जरूर आएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ भी बड़े दिन के ख्वाब को पूरा करने के लिए कितनी तैयारियां चल रही है भाई। ये है तैयारी के पीछे की मेहनत, देख रहे हो। इस वाले बैग में है हमारा पूरा गैजेट और ये अपना नया वाला हीरो गोप्रो 9 भी तैयार है अपना हेलमेट के साथ। और उसके बाद ये हमारा देखो लगेज है, हमारे शूज, बंजी गॉट और ये रेनकोट, नीचे एक बैग है, ये हमारा राइडिंग जैकेट और ये हमारा लैपटॉप। ठीक है, तो फिलहाल यार अभी 4 बज रहे हैं, यहाँ से पैक वैक करते हैं, फिर रास्ते में आपको सारी कहानी बताता हूँ यार कैसे कैसे हमारे सपने को सच करने के लिए कितनी मेहनत लगी और कितनी मेहनत करके हम इसको पूरा करने वाले हैं। तो फाइनली यार हम हो चुके हैं तैयार, अभी हम मैप में लगाते हैं और आज का हमारा डेस्टिनेशन है वो है मनाली। मनाली अभी दिखा रहा है यार 10 घंटे 16 मिनट 531 किलोमीटर है। बाय बाय करते हैं मम्मी को और चलते हैं अपनी राइड पे। मम्मी बाय बाय। बाकी सारी कहानी मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। और अभी हमारा जो ट्रिप मीटर है अभी दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, 75,376 किलोमीटर है। तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। जय हो माई की, जय माता रानी की। ये घर से निकलते ही भैया ये बूंदा बांदी चालू हो रही है, इसका क्या ही इलाज है भैया। ऐसा लगता है यार आगे जाके मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं निकल गया हूँ। अभी देखते हैं रास्ते में जो भी होगा फिर उस हिसाब से हैंडल करेंगे चीजों को। ये वाला है हजार। अरे खुल जा यार। क्या हुआ सर? अरे जाम हो गया यार। धन्यवाद। चाबी टेढ़ी हो गई है, स्पीड है। ऐसे तो मैं भी कर सकता था दोस्त, तुम्हारा काम तो हो जाएगा हमारा काम बिगड़ जाएगा। चाबी एक दूसरी बनवा लीजिएगा, इसका डेट खत्म हो गया, अभी आपका भी काम हो। ये आपका मजाक मुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी कौन चाबी बनाएगा? अभी नहीं होगा कुछ, वो तो खुलेगा। भैया इतना टेढ़ा नहीं करना चाहिए ना यार। टेढ़ा थोड़ी थोड़ी ऐसे बैठा हूँ, रहने दीजिए रहने दीजिए उसको। अभी यार यहाँ पे हम भरा रहे थे पेट्रोल और हल्की हल्की यार बारिश हो गई है। बारिश यार पीछा नहीं छोड़ रही है यार, ऐसा लग रहा है कि पूरे रास्ते ना मिल जाए। अल्लाह तबा क्या कह दिया मैंने ये। फिलहाल हमने 1000 रुपए का पेट्रोल भरा लिया यार, और पेट्रोल वाले जो भैया है ना वो भाई एकदम अतरंगी मिल गए थे अभी तो। भाई साहब ने पेट्रोल की टंकी खोलने के लिए चाबी टेढ़ी कर दी। चलो धीरे धीरे चलते हैं यार, ज्यादा तेज तो बारिश नहीं है, ज्यादा तेज होगी तो पहन लेंगे अपना जोड़ा जामा। भगवान बरसात बंद कर देना यार, आप ही के भरोसे तो जा रहा हूँ यार, आप बरसात कराओगे तो कैसे चलेगा। An eternity later. बारिश ने तो यार मतलब एकदम स्वागत कर दिया था, बीच में अभी थोड़ी स्टॉप हो गई थी, लेकिन अब देखो ये दोबारा से भाई बरसात होने लगी है भाई, और ये मोटे मोटे बूंदे पड़ रहे हैं भाई। ओहो बारिश ऐसे सरप्राइज करती रहेगी ना, फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत है दोस्त। अरे भाई यहाँ तो कुछ है भी नहीं यार बचने के लिए, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। ओहो सामने एक पुल आ रहा है, वहीं रोकता हूँ, तब तक तो यार मामला खराब ना हो जाए सारा चीज अपना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं राहुल, राहुल कोई बात नहीं, बस पहुँच गया तू, टेंशन नहीं लेनी है। Much, much, much later. बारिश भी हमारे मजे ले रही है भाई, कि ट्रिप पे जाओगे तुम्हें। मैंने सारा कुछ पहन लिया भैया, इतनी तेज बरसात हो रही थी पीछे, और जैसे ही आगे आया ना देख रहे हो कैसा है, सूखा वीरान, और इतनी गर्मी लग रही थी ना
मैंने सोचा इसको रुक के भाई निकाल ही देते हैं, वरना तो गर्मी से ही मर जाऊंगा मैं। चलो जी आगे चलते हैं यार, अभी टाइम क्या हो गया, तो मेरे को लग रहा है यही आज लेट हो गया, सिंधु बॉर्डर ही नहीं पार किया हमने तो, अभी 5:17 हो गए देख रहे हो, 4:30 बजे निकला था और 50 किलोमीटर भी नहीं आया अभी तो। चलो जी चलते हैं फिलहाल अपनी राइड पे। और सुबह सुबह का मौसम तो यार खत्म हो गया, लेकिन बारिश ने यार बहुत बहुत ज्यादा परेशान कर दिया यार। इस बोर्ड को देख के हमें याद आया कि यार आज का हमारा जो रूट मैप है ना, वो हमने आपको बताया नहीं है यार कि हम जा कहाँ रहे हैं और कैसे कैसे जा रहे हैं। तो आज की जो हमारी राइड होने वाली है वो होने वाली है दिल्ली से मनाली की, जो हमारा फर्स्ट डे है संस्कार का, तो वो दिल्ली से मनाली है तकरीबन 550 किलोमीटर, 530 के आसपास है, लेकिन कभी गूगल मैप में 550 दिखाता है, कभी 570 दिखाता है, गूगल मैप तो गूगल मैप है भाई, ठीक है। तो लगभग 550 किलोमीटर हमें गाड़ी चलानी है, और जो हमारा रूट होने वाला है दिल्ली चंडीगढ़, उसके बाद मंडी बिलासपुर होते हुए सुंदरनगर होते हुए, और मंडी के बाद कुल्लू, कुल्लू के बाद फिर मनाली। चलो यार एक्साइटमेंट बहुत है यार, जब सपना आपका पूरा होता है ना तो मतलब ऐसी खुशी होती है ना, वो वाली खुशी मेरे अंदर हो रही है भाई कि संस्कार का एक सपना देखा था मैंने। और इस ट्रिप के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, कैसे डिसाइड हुआ, मतलब क्या क्या प्लानिंग की है, वो सारी चीजें मैं आपको इस ट्रिप में बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी थोड़ा सा खींचते हैं, मैं मिलता हूँ आपको सिंधु बॉर्डर के आगे या फिर कहीं अम्बाला चंडीगढ़ या कहीं पहुंच के ना मिलूंगा। फिलहाल अभी सुबह का समय है, बरसात ने छोड़ा है, तो हम थोड़ा सा अपना कवर कर लेते हैं डिस्टेंस, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। फिलहाल मशक्कत के बाद पहुंच चुके हैं भैया झिलमिल ढाबे पे। घर से हम 150 किलोमीटर की राइड करने के बाद हम पहुंच चुके हैं करनाल, और पनीर का पराठा और चाय ऑर्डर कर दिए। ये देखो ये खड़ी है हमारी शाइन, जब मैंने नया टायर लगवाया था ना उसके बाद से तो चलाने में तो और मजा आ रहा है, देख रहे हो आप। और हमारा ये हीरो गोप्रो 9 ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैंने फुटेज चेक की है, थोड़ा सा एंगल का इशू हो सकता है इधर उधर, बाकी तो सब ठीक ही है। ये आ गया हमारा पराठा और चाय, इसको फटाफट खाते हैं और फटाफट चलते हैं यार। ये देखो ये एक प्यारा सा डॉगी भी दिख रहा है इसमें। मोमेंट्स लेटर फिलहाल अभी हम अम्बाला पहुंचने वाले हैं, और गाड़ी खेचम खेच लगाए रखे हैं भाई, जितना भी एनर्जी में खींच लोगे ना बाद में एनर्जी जाने के बाद खींच नहीं पाओगे। मनाली, मनाली पहुंचना है आज, मनाली भैया। अभी तो हमें पहाड़ों में भी 200 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, वहाँ तो और एनर्जी लगेगी। अम्बाला को यार क्रॉस कर लिया हमने और बढ़ रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ से अम्बाला कितना दूर होगा, कितना दूर, ज्यादा ज्यादा 1-1.5 घंटा बस पहुंच जाएंगे हम चंडीगढ़, उसके बाद वहां से सुंदरनगर मंडी होते हुए कुल्लू होते हुए मनाली, मनाली मनाली आएंगे, संस्कार संस्कार जाएंगे, जिसपा में रुकेंगे, लेह तक पहुंचेंगे। क्या क्या खुशी देख रहे हो, खुशी देख रहे हो लड़के की, मतलब जब ख्वाब पूरे होते हैं ना भाई ऐसे ही आदमी झूमता है और कुछ नहीं होता है। कितने अरमानों से मैंने ये ख्वाब सजा रखे थे भाई, और धीरे धीरे उनको कोशिश कर रहा हूँ भाई पूरी करने की, भगवान की दुआ रही तो जरूर पूरी कर लेंगे। मरने से पहले सब करना है भाई, बुढ़ापे में नहीं करना सब, मरने से पहले सब करना है मुझे बुढ़ापे में। तो इन सीरीज को तो मैं देखूंगा कि राहुल पांडे तुमने इस उम्र में ये किया था, इस उम्र में ये किया था, वो फीलिंग जो होगी ना अल्टीमेट होगी यार, उसका कोई वो नहीं है, किसी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती वो फीलिंग, समझ रहे हो, क्योंकि बुढ़ापे में आप क्या ही कर पाओगे, बस एक जगह बैठ के अपनी दवाई के साथ इंजॉय कर पाओगे। अभी की ताजा खबर यह है कि भैया हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, दिला दू घर तुझे चंडीगढ़ में, जाम 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 चंडीगढ़ में जब भी आओ ना यार, ट्रैफिक वैफिक मिल जाता है भाई। और यहीं से दोनों रास्ते जाते हैं शिमला के लिए और मनाली के लिए, फ्लाईओवर के नीचे से चले जाओगे और राइट ले लोगे तो शिमला चले जाओगे, फ्लाईओवर के सीधे सीधे ऊपर जाना है तो मनाली पहुंच जाएंगे। अरे चलना रे ए बाबा, चलना चलना बाबा, मनाली 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 मनाली, अरे फिलहाल तो चंडीगढ़ है भाई, अरे चंडीगढ़ वाला है भाई कोई, चंडीगढ़ 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 चंडीगढ़, यही वाला पुल है, नहीं 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 ये वाला नहीं है, होगा भी तो क्या, हमें थोड़ी जाना है नीचे, नीचे शिमला जाता है, नारकंडा जाता है,
स्पीति जाता है। जिन लोगों ने मेरी स्पीति वाली सीरीज नहीं देखी है ना, ये ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वो भी बड़ी दिल से बनाई थी भाई, वो जाके वो भी देख सकते हो। फिलहाल ये वाली देखो कि कैसे कैसे मैं मनाली पहुंच रहा हूं। अभी थोड़ा गूगल मैप लगा लेते हैं वरना दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहां पे मेरे को कंफर्म नहीं है भाई कौन सा कट कहां है। ठीक है, जहां पे मैं गया हूं वहां तो पता है, खैर दो तीन बार मैं नीचे से शिमला की तरफ गया हूं वो जानता हूं। मनाली मैं दिल्ली से पहली बार जा रहा हूं चंडीगढ़ होते हुए, तो लगा लेते हैं भाई मैप। मनाली अभी यहां से 5 घंटे दिखा रहा है, 273 किलोमीटर है। अगर मैं 60 की स्पीड में चलूँ तो नया फीचर आया भाई गूगल मैप में, तो दिखा रहा है 60 की स्पीड में चलोगे तो 273 किलोमीटर है और 5 घंटे 57 मिनट, अरे 6 घंटे ही हो गए। तो चंडीगढ़ की गलियों में घूम रहे हैं राहुल पांडे भाई, चंडीगढ़ के रोड देख रहे हो भाई एकदम चका चक। अपने एरिया में भी ऐसे होता तो कितना मजा आता ना। कोई बात नहीं, कभी न कभी हो ही जाएगा। तो हमने मैप के हिसाब से ही चल रहे हैं भाई। एक रूपनगर वाला रास्ता दिखा रहा था लेकिन मैंने वो नहीं लिया, क्योंकि ये रास्ता सीधा सीधा दिखा रहा है कि भाई, और रूपनगर वाला रास्ता घूम घाम के इसी रास्ते पे आएगा जहाँ ये रास्ता निकलेगा, तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ सिटी के, वो सिटी के अंदर से दिखा रहा था, तो डायरेक्ट सीधे सीधे ही जा रहे हैं हम। अभी यार गूगल मैप ने ना थोड़ा मतलब अपना ज्यादा दिमाग यूज कर लिया था उसने, पता नहीं भाई कहाँ कहाँ घुसा दिया। मेरे को लगा भाई अब तो लग रहा टाइम खराब होने वाला है, और फाइनली यार ये इस रास्ते पे उसने मुझे छोड़ा है, और यहाँ से अब लोकेशन दिखा रहा है कि भाई ये रास्ता ही मंडी की तरफ जाएगा, मंडी से फिर सुंदरनगर, सुंदरनगर से फिर आगे जाएगा कुल्लू और मनाली की तरफ। मैं ये सोच रहा हूँ यार गूगल मैप ने मुझे वो वाला रूट क्यों नहीं बताया जहाँ से बस वगैरह जाती है यार हाईवे से, वहां से चलते तो थोड़ा सही रहता यार, ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलता, रोड भी बढ़िया रहती। संस्कार दिखाने वाला हूँ आपको, संस्कार समझ रहे हो आप भाई, अमेजिंग चीज है वो। बस सपोर्ट दिखाए रखना भाई लोग अपना, आप लोगों के सपोर्ट के बिना यार कुछ होगा नहीं यार, समझ रहे हो। सपोर्ट दिखाओ यार, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को पूरा देखना यार, कमेंट और लाइक नहीं कर सकते भाई, पूरा वॉच कर लेना यार, इससे अपनी कम्युनिटी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी यार, समझ रहे हो, बड़ी मेहनत लगती है भाई वीडियो में। तो यार हमारी अभी की कहानी ये है कि हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं भैया पता नहीं हमें, यहाँ से 200 किलोमीटर है अभी मनाली, और रास्ता अभी तक तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अभी पहाड़ शुरू नहीं हुए। और जब मैं पिछली बार रुका था झिलमिल ढाबे पे दिल्ली से, मैंने वहाँ पे 150 किलोमीटर कंटिन्यू चला के मैं पहुंच गया था वहाँ। फिर वहाँ से जो मैंने गाड़ी चलाई है ना अभी 198 किलोमीटर चला दी मैंने, मतलब 200 ही मान लो आप, गाड़ी रोकी नहीं बीच में, तो तकरीबन 150 वो 200 ये 350 किलोमीटर का सफ़र हमने कर लिया है। और यहाँ से मनाली अभी 200 किलोमीटर बचा हुआ है, तो अभी थोड़ा सा यार बैठते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं 10-15 मिनट, अपनी शाइन को भी थोड़ा सा आराम देते हैं, शाइन भी बहुत ज़्यादा कमाल कर रही है। अभी ये बिस्किट खा के पानी पी के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर से निकलेंगे हम मनाली की तरफ अपनी ज़ंस्कार ट्रिप पे। पेट्रोल भी थोड़ा सा भरा लेंगे यार, टंकी आधी हो गई है, पेट्रोल पंप पे ही रुका हूँ मैं, ये पीछे है पेट्रोल पंप। ठीक है, ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। फाइनली यार निकल चुके हैं हम उस वाले पेट्रोल पंप से, बिस्किट खाया, पानी पिया, थोड़ा इंटरनेट चलाया कि क्या हो रहा है इंटरनेट जगत में, इंस्टाग्राम देखा, थोड़े से कमेंट्स के रिप्लाई किए, उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट भी किया। और जहाँ मैंने बाइक लगाई थी ना वहाँ ऐसा लग रहा था कि यार छाया है, लेकिन वो मेरा भ्रम था, वहाँ धूप थी, क्योंकि बादल है ना तो पता नहीं लग रहा यार कहाँ धूप है कहाँ छाया है। तो मैंने छांव समझ के बाइक लगा दी थी लेकिन वहाँ पे धूप थी और मैंने जैकेट निकाली नहीं थी भाई, जो पसीने टपक रहे थे ना भाई, अब देखो वो पसीने जो गीला हो गया था ना मैं, अब देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही भाई उसमें एसी लग चुका है एसी। रोड अगर मजेदार मिल जाती है ना भाई मजा आ जाता है चलाने में, देख रहे हो 80-80 चल रहे हैं अभी 10-20 चल रहे थे पीछे, पहाड़ों के अंदर भी देखो इतनी कमाल की रोड बनी हुई है यार, समझ रहे हो। और मेरे को लगता है ये पूरी मनाली तक ऐसी ही है, क्योंकि आते समय जब मैं आ रहा था ना पिछले साल तो आते समय मुझे अच्छी रोड मिली थी, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता यार उसका रास्ता। अरे भाई साहब बीच में खड़े हो गए तो यार हम कैसे जाएंगे हैं इसको देख के ना मेरे को एक स्टोरी याद आ गई भाई, मेरा एक दोस्त था उससे बोलते भाई अगले जन्म में क्या बनेगा तू, कहता भाई अगले जन्म में मैं सांड बनूंगा, तो बोला सांड क्यों बनेगा, कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा
किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, कोई हटा दे मुझे। ऐसे ऐसे मजाक चलते रहते थे यार हमारे स्कूल में। चलो यार बेहतरीन रोड का फायदा उठाते हैं, आगे कहीं मिलता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा खींच लेते हैं। तो भाइयों और उनकी बहनों, अभी हम पहुंच चुके हैं भाई सुंदर नगर में, और बोर्ड देख के ही दिल खुश हो गया क्योंकि उसमें लिखा था यार मुस्कुराइए आप सुंदर नगर में हैं। और ये सुंदर नगर के देखो ये जाम भैया, इतने लंबे लंबे जाम, कैसे मुस्कुराएं यार। 3 बज गया यार, लंच नहीं किया अभी मैंने, सोच रहा हूँ कहीं अच्छा सा देख के लंच कर लिया जाए। तो अभी टाइम हो चुका है 3:30 और फिर से हमने एक लंच ब्रेक लिया है और सारे कपड़े निकाल के यार रख दिए। बहुत 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 ज्यादा गर्मी है यार। अभी मनाली यहाँ से 110 किलोमीटर है और जहाँ पे मैं रुका हूँ भैया बता रहे हैं कि आगे 18 किलोमीटर खराब है, उसको भी यार देखना है। अभी फिलहाल अभी यार खाते हैं लंच और फिर आगे की तैयारी करते हैं। ये हमने लिया, ये क्या है भैया? ये बनचाट बोलते हैं। अच्छा बनचाट है ये जी, बनचाट को खाते हैं आगे बढ़ते। फाइनली हमने खाना वाना खा लिया भाई, अब चल रहे हैं भाई अपनी मंजिल की तरफ। वहाँ पे एक भाई मिल गया था यार, स्पीति वैली से आया था भाई और बता रहा था कि भाई बहुत ज्यादा गर्मी है स्पीति वैली में, कोई ठंड वंड नहीं है। और बता रहा जहाँ मनाली जा रहे हो भाई वहाँ भी बहुत गर्मी है भाई। कोई बात नहीं, आज नहीं ठंड मिलेगी तो कल मिल जाएगी भाई। क्या बताऊँ कहाँ फंस गया हूँ आज, ये जाम पिछले 1 घंटे से भाई ऐसे ऐसे चल रहा है। मेरी तो खैर बाइक है तो बीच बीच में से निकाल ले रहा हूँ, लेकिन भाई इतना ज्यादा हालत खराब कर दिया ना इस जाम ने। मनाली आ रहे हो ना, सोच समझ के आना भाई इस टाइम, क्योंकि पीछे बन रही है टर्नल, वहाँ पे कीचड़ मिट्टी धूल। अभी तो पीछे इतनी ज्यादा धूल थी ना क्योंकि यहाँ पे टर्नल का काम चल रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क भाई, एकदम उबड़ खाबड़ धूल मिट्टी कीचड़ पानी हर चीज है भाई। देख रहे हो कैसे कैसे जाम लग रहे हैं यहाँ पे, और ये थोड़ा सा नहीं है, ये बहुत लंबा लंबा जाम है 1-1 घंटे का। कोई बात नहीं, अपनी शाइन के साथ धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। इस काली रात की भी सुबह होने वाली है क्योंकि मेरे को पता है कुल्लू से बहुत ही परफेक्ट रोड है, एकदम 4 लेन है, मस्त मजा आएगा भगाने में। जैसे पीछे मिली थी ना 4 लेन, वैसे आगे भी है। ये है थोड़ी दूर तक जब तक कुल्लू ना आ जाए, तकरीबन 20-30 किलोमीटर। फिलहाल बंद करता हूँ यार कैमरा, में ऐसे बहुत दूर तक है, कितना दिखाऊंगा। मतलब पहाड़ों में आके ना यार एकदम खुशी खुशी का माहौल हो गया। अभी जो पीछे दर्द हो रहा था ना बैठ बैठ के, नजारों को देखने के बाद ना वो दर्द एकदम जीरो हो गया मेरा, कोई दर्द नहीं भाई। मतलब यार कई बार ऐसा लगता है ना कि भाई हमें जाना है, वो चीज करना है, वो चीज देखना है, फिर कभी कभी क्या होता है कि जब हम थक जाते हैं ना हमारी एनर्जी लो हो जाती है, फिर हमें लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी एनर्जी लो हो जाती है उस टाइम, इसलिए हमें ऐसा लगता है। अब जो हमारे मन की चीज हमें दिखी है, ये पहाड़ ये नजारे देखो, एनर्जी देख रहे हो मेरी एनर्जी, अभी जब लंच कर रहा था तब देखना मेरी एनर्जी कैसी थी और अब देखो मेरी एनर्जी कैसी है। इन्हीं के लिए तो आता हूँ यार, आई लव यू नेचर, और इससे भी खूबसूरत खूबसूरत नजारे दिखाऊंगा। बस चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, सपोर्ट दिखाओ यार राहुल पांडे ब्लॉग्स को, राहुल पांडे ब्लॉग्स, अगले 10-20 वीडियो देखना, नजारे ही नजारे दिखेंगे आपको उसमें। अब जरा कुल्लू पहुंचते उसके बाद ही ऑन करूंगा, ठीक है, थोड़ा अच्छी रोड मिली है तो भगा लेता हूँ थोड़ा। अब चलते चलते हम कुल्लू शहर में ही रुके हुए हैं यार, कुल्लू शहर की खूबसूरती को निहारते हुए, देख रहे हो। मतलब यार ऐसा लग रहा है कि यार मनाली को टक्कर देता है यार, और मेरे को एक चीज और भी लगती है भाई, कहीं मनाली से ज्यादा खूबसूरत तो यही लग रहा है, देख रहे हो, यहाँ रोड वहां पहाड़, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है 5 तो पहाड़ हो गए, और वहां से जहाँ रोड खत्म हो रही है ना वहां से सीधे
ये देख रहे हो इस तरीके के, देखो घर कितने अलग अलग कलर के देखे हैं, इतने खूबसूरत है ना घर, देख रहे हो। और नीचे ये व्यास नदी बह रही है, मजेदार यार एकदम। वहाँ देखो टेंट भी लगे, और यहाँ पे ना ऐसे भी होटल होंगे जहाँ पे ना ये एक्सेस होगा नदी का, और पास जाके आप एकदम बैठो और मस्त चिल मारो। पीछे भी ऐसे ही था, वो देखो धुआं उठ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है ये। और ये पूरी नदी ऐसे फ्लोट होती हुई जा रही है भाई, मजेदार है। शाम हो रही है इसमें और काफी ज्यादा मजेदार चीज है ये, समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा मजेदार। जब मैं पहाड़ों में आता हूँ ना, मेरा कैमरा बंद करने का मन ही नहीं करता भाई, कितना शूट करूं कितना शूट करूं। ये वर्ड ना आप बार बार सुनेंगे, मजेदार, खूबसूरत, बहुत अच्छा, बढ़िया, ऑसम, लवली क्योंकि यार इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं भाई इन नजारों को बयां करने के लिए, यही शब्द है भाई मेरे पास तो। और ये बार बार मेरे दिल के एहसास को ना बार बार बोल के बताएंगे आपको कि भाई अच्छा है बस ये। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो यार कैसा था नजारा। हम पहुंच चुके हैं अभी मॉल रोड, और भाई मॉल रोड में जो भाई तबाही मच रही है यहाँ तो, एकदम देख रहे हो ट्रैफिक का हाल, देख रहे हो एकदम भाई, इतना ज्यादा क्राउड है ना, इतना ज्यादा क्राउड है ना, क्या ही बताएं कितना ज्यादा क्राउड है भाई। 5-5 पुलिस लगी है यहाँ। हमारा होटल है 1.5 किलोमीटर। एक्चुअली ना मैंने यार जहाँ लंच किया था ना वहाँ पे मैंने रुक के अपना होटल बुक कर लिया था, क्योंकि मैंने कल किया नहीं था, तो अभी वो यार पेमेंट फेल्ड बता रहा पता नहीं क्यों, तो मैं डायरेक्ट उसी होटल में जा रहा हूँ। रूम होगा या डोमेट्री होगी तो दे देगा, नहीं तो फिर देखते हैं दूसरा जुगाड़ कोई। मैं 8 बजे पहुंच चुका था यहाँ मनाली में, और मैंने ये वाला होटल लिया है। होटल के आसपास का नज़ारा देखो कुछ ऐसा है, और उसके बाद मेरी बाइक भी देखो यहीं खड़ी है, और जो मैंने दोपहर को बुक किया था यार वो किसी कारण से यार बुक नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे आके दोबारा बुक कर लिया था। और अभी मैं गया था यार खाना खाने के लिए, राजमा राइस मैंने खाया, और जहाँ पे मैं रुका हूँ वो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। ये देखो कुछ इस तरीके के बेड है यहाँ पे, ये वाला मेरा बेड है ऊपर वाला, यहाँ अपना सामान रखा है। अभी मैं की लेके आया हूँ तो ये सामान इसके अंदर आ जाएगा, लॉकर भी है यहाँ पे। वॉशरूम बहुत अच्छा है, ये देखो भाई गजब का है, मस्त ठंडे ठंडे पानी से नहाया था मैं अभी। तभी यार डेटा वगैरह ट्रांसफर करते हैं और कल की तैयारी करते हैं। तो फाइनली इस वाले व्लॉग को यार यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा यार कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जुड़ जाना हमारे यूट्यूब की दुकान से। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, और कल की वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, कल और ज़्यादा एडवेंचर आने वाला है।